नमस्कार दर्शकों, साथ में दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को भी एक नई जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। सभी आप परीक्षा के तनावपूर्ण वातावरण में अपनी तैयारी पूर्ण कर रहे होंगे। सभी को आशा है कि वो एक बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपना प्रदर्शन करें। हम आपको हर विषय की तैयारी किस प्रकार की जाए इसका इस एपिसोड में खूब अच्छे से समझा के बताया जाएगा कि आपको एक मार्क्स के प्रश्न के लिए किस तरह तैयारी करनी है, तीन नंबर के मार्क्स के लिए किस प्रकार का लिखना है, पाँच नंबर के प्रश्न के उत्तर में अच्छे से अच्छा अपना वर्णन देने के लिए आपको किस प्रकार लिख मार्क्स अच्छे, मूल्यांकन अच्छा हो, आपके अंक अच्छे आएँ, इसके लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। हमारा विषय है अगला बही खाता, अकाउंट्स। कॉमर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम इस विषय में अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए अधिक से अंक, ज़्यादा अंक अर्जित करना चाहते हैं। अब वह कौन सा तरीका है जिससे आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके, आइए हम देखते हैं अकाउंट्स की तैयारी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज 12th के स्टूडेंट्स सब मेरे सामने बैठे हुए हैं जो कि आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम्स फेस कर रहे हैं। आप सबके मन में ये क्वेश्चन उठते होंगे कि हम लोग हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर करें, और प्री बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं जिसकी तैयारी आप लोगों को बहुत जोर शोर से करनी है। हो सकता है आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस ऐसे उठते हों कि हम करते तो हैं पर मैडम मार्क्स पूरे नहीं मिलते, या ये चैप्टर कर पा रहे हैं पर हमारी पूरी तरह से उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी और जो आपसे संबंधित, आपके सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हों तो आप वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर क्लास। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसको हिंदी में हम बही खाता एवं लेखाकर्म के नाम से जानते हैं। ये आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है जिसमें आप सभी को न्यूमेरिकल के आधार पर पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रही हूँ कि आप लोग पेपर को कैसे हाईलाइट करें या आपने कैसे आंसरिंग प्रेजेंट करें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आंसर आप प्रेजेंट कर रहे हो, फर्स्टली जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट्स में वो होते हैं 25 मार्क्स के। कोशिश करिए वो 25 नंबर हमारे पूरे के पूरे स्कोर कर जाए, यानी हम उनको ले सकें। उन 25 नंबर को लेने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो आपका सीक्वेंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स, तो कोशिश करिए इसी सीक्वेंस में आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। एक बहुत कमी देखी है मैंने बच्चों की कॉपियों में कि आप लोग हेडिंग नहीं लिखते हैं जिन बच्चों के कम मार्क्स मिलते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी हेडिंग को पहले प्रॉपर तरीके से सेंटर हेडिंग बनाएं, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वन बाय वन आंसर्स दें। और ये सीक्वेंस हमारे एग्जाम बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत कंपलसरी है कि फर्स्टली यू अटेम्प्ट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, देन यू विल मूव ऑन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। तो आपके 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, ये सभी बच्चों को मालूम होगा। और फोर्थ आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आपको अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, और लास्ट होता है मैच द कॉलम। इस ढंग से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और इसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पर मूव करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है कि आप तैयारी किस ढंग से करें। गुड आफ्टरनून मैम, मैम आई एम मानसी गुप्ता एंड आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओके मानसी, सबसे पहले तो राइटिंग स्किल के लिए मैं आपको बात बता देती हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव जब कभी लिखते हैं मेन कॉपीज में, तो फर्स्टली यू राइट द हेडिंग कि आंसर नंबर 6। ये मैंने आपको कहाँ लिखना बताया है, सेंटर हेडिंग, बिकॉज ऑफ आपकी साइड से कॉपी बंच हो जाती है, पूरी तरह से बाइंड अप कर दी जाती है, इसलिए वो क्वेश्चन के नंबर्स नहीं दिखते वैल्यूअर्स को। तो आपको कोशिश करना चाहिए आप कहाँ हेडिंग बनाएंगे, सेंटर में। सेंटर में हेडिंग बनाने के बाद आपका जो आंसरिंग प्रेजेंटेशन है, जैसा कि मानसी ने पूछा, तो सपोज कीजिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है किसी क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्टली यू राइट द हेडिंग, इज इट राइट? आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपने आंसर की हेडिंग बनाएंगे। उस हेडिंग में आपको पता है कि फीचर्स क्या होते हैं, कि
at least members, 2 members, maximum 10 or 20 आपने पढ़ा हुआ है. It's a legal process. It's a belong to Act, Indian Partnership Act. तो जब आप उनके points बना रहे हैं तो just you will write as a bullets. Bullets मतलब होती है इस तरह के points. Don't make numbers. आपको number बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप उन bullets में क्या लिख देंगे उन तीनों features को, 4 features जैसे marks होते हैं, और marks के according आपका answer present होना चाहिए. सपोज ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सबको पता होगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का. इज इट क्लियर? 2 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 2 फीचर्स को मिनिमम लिखने ही चाहिए. यदि आपके पास 4 मार्क्स के लिए है तो आप 4 फीचर्स लिखेंगे, देन यू विल डिस्क्राइब 1 by 1. इज इट क्लियर एनीवन? कोई और कंफ्यूजन है किसी को? ओके यस. गुड आफ्टरनून मैम, माई नेम इज़ पूजा कुमारी. मैम अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट 5 मार्क्स के ऑब्जेक्ट कंसाइनमेंट से 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग किस टाइप से उसको प्रिपेयर करें कि हम सारे ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर पाए? ओके, पूजा ने बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात बोली है या पूछी है. ये सब आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. आप सब बच्चों को अपने बोर्ड के अनुसार जो निर्धारित एक ब्लू प्रिंट दिया गया है उसके अनुसार आप सबको तैयारी करनी है. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट, ये आप सबको पता है. कंसाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका. इसमें 5 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है और 5 है डिस्क्रिप्टिव. ये मार्क्स का जो एलोकेशन है इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना चाहिए. इनका क्वेश्चन है कि जो 5 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके पीछे के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से अनकॉमन आ जाए. मे बी ऐसा होता होगा जो आप तैयार करते हैं उससे कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए बेस्ट होता है पूजा जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल के पहला, जैसा मैंने आपको बताया है कि फर्स्टली यू कंप्लीट ऑल द थ्योरी पोर्शन. विदाउट थ्योरी हम न्यूमेरिकल पर मूव करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. तो ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी के लिए भी आपको पहले थॉरो स्टडी करना चाहिए. जितना आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो या अकाउंट ओपनिंग हो या जर्नल एंट्रीज हो या उनसे रिलेटेड कमीशन का वैल्यूएशन हो या इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वहीं से क्रिएट होते हैं. क्लियर? ओके. नाउ मैं आपको कंसाइनमेंट पर कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि यदि कंसाइनमेंट पर ऑब्जेक्टिव आप इस ढंग से तैयार करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे हो. तो किसी को कोई डाउट हो कुछ पूछ सकते हैं, किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. आपको पता है कि 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है और उसकी चॉइस में एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव में और में थ्योरी आती है कि हो सकता है हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ये सभी बच्चों को मालूम है कंसाइनी की बुक के अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, जस्ट गिव द टर्मिनोलॉजी इन द कंसाइनमेंट अकाउंट या जस्ट कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इस तरह से जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की है इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए आप लोग ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए. हाँ मेघा. गुड आफ्टरनून मैम, आई एम मेघा शर्मा. मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स को जब वो फुल वे में आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके. जब कभी कंसाइनमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फर्स्टली यू डिसाइडेड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि हम कंसाइनमेंट के न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, सपोज कीजिए आपको अकाउंट पूछा गया है बनाने के लिए, तो अकाउंट की जो आप हेडिंग देंगे उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स आते हैं जिनको आपको एनी हाउ कैलकुलेट करना ही होता है. कंसाइनमेंट अकाउंट में ये आप सब बच्चों को मालूम है कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक किसी की बुक में बनता है, उस बुक का नाम क्या है? कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. इन केस यदि आपको न्यूमेरिकल में उनका नाम दिया गया है सो फर्स्टली यू राइट, जस्ट राइट द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. इज इट राइट? देन यू विल राइट कंसाइनमेंट अकाउंट. ये आप सब जानते हैं इसका फॉर्मेशन कुछ नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, डेबिट एंड क्रेडिट. यदि हम नॉमिनल अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं तो फर्स्टली आप क्या करते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना आपने गुड्स को सप्लाई किया है. एक प्रोसेस है इसकी, उस प्रोसीजर को आप अपने दिमाग में रिवाइज करते चले. हर एक बच्चे को रिवीजन देना है अपने दिमाग के अंदर
कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले गुड्स को सप्लाई किया है. इट मीन्स इट्स वेरी श्योर कि आप उस कंसाइन गुड्स पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हूम, किसके द्वारा होते हैं वो, कंसाइनर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होता है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेघा, कमीशन का कैलकुलेशन. और जस्ट थिंक अबाउट द लॉस. ये लॉस मैंने आपको टू टाइप्स के पढ़ाए, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. इन केस यदि आपको क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया गया है, सो जस्ट यू क्लियर, आप बिल्कुल उसको क्लियर वे में समझ लीजिए कि नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हमने नहीं करना है. बिकॉज ऑफ जस्ट वेस्टेज ऑफ गुड्स है, लॉस्ट ऑफ गुड्स है, ऑटोमेटिकली डाउन है. हमने केवल उसका क्या पे किया है, अमाउंट पे किया है, क्वांटिटी ऑलरेडी विल बी यू रिड्यूस्ड. इज इट क्लियर? तो नॉर्मल लॉस के केस में मैंने आपको दो मेथड्स बताई हैं, फॉर्मूला मेथड, एक ऑल्टरनेटिव. याद है मेघा आपको? तो यदि फॉर्मूला मेथड आपको दिमाग में है, सो फर्स्टली यू अटेंड जस्ट फॉर्मूला मेथड, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी इजी प्रोसेसिंग कि आपने एक कंपाइल्ड फॉर्म में फॉर्मूला यूज कर लिया है और उस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे. बट इट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर. आप इससे हट के वर्किंग नोट करेंगे और वर्किंग नोट में आपका कैलकुलेशन होगा कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए, जो कि इन द केस ऑफ क्या होगा, नॉर्मल लॉस. इस केस में आपका क्या वैल्यूएशन निकलेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का. इज इट क्लियर? तो वर्किंग नोट के साथ साथ आपको अकाउंट में अपनी वन बाय वन एंट्रीज पुट करनी है, देन जस्ट यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. एनीवन, कुछ और प्रॉब्लम है आपको? ओके, नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप से रिलेटेड आप सबको मालूम है कि यहाँ हमने 5 चैप्टर्स किए हुए हैं. पार्टनरशिप आपका जनरल प्रिंसिपल्स, देन एडमिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, आपका रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन. ये मैंने आपको सीक्वेंस में रिवीजन दिया है. यदि इनमें किसी को कुछ तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको एक सीक्वेंस में आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि जब कभी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है. और इसमें न्यूमेरिकल और कुछ पोर्शन किसमें डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में. ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बहुत इजी हो जाती है क्योंकि हर चैप्टर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. तो जैसे जैसे आप थ्योरीज पढ़ते हैं उनके साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं. यदि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आपका न्यू रेशो है, गुडविल का कैलकुलेशन है, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस है. तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से कैटेगराइजेशन होते हैं. इनसे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप बताइएगा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून, मैं चंद्र प्रकाश शाह मैम. आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या वर्किंग नोट मैम बनाना जरूरी होता है कि उसको लास्ट में बना सकते हैं मैम? चंद्र प्रकाश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हर बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है हमारे अकाउंट्स के लिए. यदि हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, इट्स वेरी श्योर कि आपको वर्किंग नोट दिखाना ही होगा. क्योंकि यदि हम वर्किंग नोट का हिस्सा या पार्ट कहीं शो नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स क्या होते हैं, उससे कम होते जाते हैं. तो वर्किंग नोट एक कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन के बिना आप उस अमाउंट को कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकते. इसलिए एज पर कैलकुलेटेड आपको वर्किंग नोट में, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें आपने न्यू पढ़ा है, सेक्रीफाइजिंग पढ़ा है और गेनिंग पढ़ा है. यदि किसी भी केस में ये क्वेश्चन आता है, सो जस्ट यू विल अटेम्प्ट दिस. ओके, इसमें कुछ 5 कंडीशंस होती है जिसमें अक्सर मैंने आपको बताया जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमेशा आपको टोटल प्रॉफिट ऑफ द वर्न मानकर चलना चाहिए. और इसका वर्किंग नोट आप बिना दिखाए आगे मूव नहीं कर पाएंगे. इसके साथ साथ कभी कभी हो सकता है आपको गुडविल आ जाए, तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो भी इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. ये भी आपका आंसर है, बट आप इसको किस में शो करेंगे, वर्किंग नोट में. अभी हमने लास्ट एग्जाम जो अपीयर किया है प्री बोर्ड का, उसमें भी आपने न्यूमेरिकल किया होगा, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इसको हाईलाइट ना किया हो. पर इसमें यदि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो इट्स श्योर कि वो 1 मार्क आपका किस में ऐड है, वर्किंग नोट में. क्लियर? नाउ पार्टनरशिप से हम आगे मूव करते हैं. हमारा एक चैप्टर है कंपनी.
कंपनी बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है इसमें हर बच्चे को अपने मार्क्स स्कोर करना चाहिए। यदि हम ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें तो ये सोच सकते हैं कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इसमें, राइट, एक 5 मार्क्स का आएगा और एक 6 मार्क्स की, 3 क्वेश्चंस आना है, इट मीन्स जस्ट रिपीटेशन ऑफ दीज, इट मीन्स 6 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बिलोंग करेंगे। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, सीधे सीधे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये। इसमें किसी को कोई पूछना है या स्टेजेस है या क्लासिफिकेशन है? गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ स्पर्श अग्रवाल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी का चैप्टर बहुत लेंदी है, तो उसमें से हमें मतलब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो? ओके, लेंदी है बट एक सीक्वेंस है इसका, सीक्वेंस यदि आप सब बच्चे अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। बिकॉज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स, आप सभी जानते हैं शेयर्स मतलब इशूइंग ऑफ शेयर्स, अंशों का जब निर्गमन होगा तभी हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैपिटल होगा। तो जो मैंने ये बोला है एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजर कि हमने क्या किया है, तो जो किया है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है, और ये चैप्टर टोटली बेस्ड अपॉन क्या है, जर्नल एंट्रीज, इसलिए जर्नल का नॉलेज स्पर्श बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जर्नल के लिए तो जस्ट आप जर्नल केवल लिख कर आते हैं तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, यदि आप अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो। ये मैंने एक बेसिक फॉर्मेशन बताई है जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ शेयर्स के लिए। बेसिकली जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो हर कंपनी के लिए एक स्टेज होती है असेस कि हम फर्स्टली क्या करेंगे, वी डोंट नो, हम किसी को नहीं जानते हैं कि इस पूरी पब्लिक में से कौन सा ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे शेयर को खरीदेगा, इज इट राइट। सपोज आप सब स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं मालूम है कि पंकज हमारी कंपनी में एंटर हो रहा है या हमारे को कैपिटल दे रहा है, जस्ट कलेक्शन ऑफ कैपिटल। सो जस्ट वी कलेक्ट ऑल द अमाउंट फ्रॉम ऑल द पब्लिक, हम सबसे पहले क्या स्टेप करते हैं कि सारा का सारा अमाउंट हम आपसे ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं आपने पहले एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, सो हम नहीं जानते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ होना है कि नहीं होना है, वी जस्ट कन्फ्यूज कि हो सकता है अमन का हो जाए, हो सकता है शिवानी का हो जाए बिकॉज ऑफ मेरिट बेस। ऐसे कुछ कंपनीज में होता है कि हम सब एक तरह से एक बड़ी कंपनी को जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में है हम उसके शेयर्स को परचेज करने के लिए कोशिश करते हैं। सो फर्स्टली वी विल फिल द फॉर्म, हम एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। आप देखिए आपकी टर्म वहीं आ रही है, स्पर्श आप ध्यान से सुनिए, जो आपकी टर्म है वो कंपनी से रिलेटेड हो रही है कि फर्स्टली जस्ट वी विल ज्वाइन कि हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेज क्या आती है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज है आपकी। सेकेंड स्टेज आपकी आती है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद आप उसको इंश्योर कर देते हैं कि ये पब्लिक या ये व्यक्ति हमारे लिए कंफर्म शेयर होल्डर है। आप सब जानते हैं जो व्यक्ति हमारी कंपनी में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है या शेयर को परचेस करता है तो जस्ट ही विल बिकम क्या होता है, वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर। तो यदि वो शेयर होल्डर बन गया है तो उससे हम लास्ट कॉल की भी डिमांड कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ द जर्नल फॉर्मेशन, इज इट राइट, कि फर्स्टली वी कलेक्ट द अमाउंट जस्ट फॉर द एप्लीकेशन। सो वॉट इज द एंट्रीज, क्या होंगी यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड जस्ट शेयर एप्लीकेशन का फंड हम कहाँ मूव कर देते हैं, शेयर कैपिटल। सो इट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द जर्नल, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक पेयर, जोड़ा, जोड़ा किस किस का बन गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एंड जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज, वॉट वुड बी, अलॉटमेंट। सो क्या जर्नल होगा, ओके, नाउ नेक्स्ट होगा हमारा जस्ट कॉपी ऑफ द अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड जस्ट कॉपी ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इट इज द बेसिक। बट यहाँ यदि थोड़ा सा चेंज आता है, कभी कभी कंपनीज हमारी क्या करती हैं, अपनी प्राइसेस को अप कर देती हैं। हाय, आपने पढ़ा है डिमांड सप्लाई का रूल होता है, यदि मार्केट में डिमांड है तो हमारी सप्लाई कम है, प्राइसेस विल बी
फ्लक्चुएट इन अपसाइड, ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, वैसे कंपनीज करती हैं कि कोई बहुत पॉपुलर कंपनी है, रिलायंस कंपनी आ गई, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आ गई, यूटीआई आ गई, ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जिनका नाम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिनको हम और आप सब जानते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपना अमाउंट जो है उस कंपनी में इंट्रोड्यूस करें, लगाएं, इन्वेस्ट करें। ऐसी कंपनीज अपने मार्केट के प्राइस को अप कर देती हैं। जिसके पास शेयर की कॉस्टिंग सपोज 10 रुपीज़ है, वो अप करके 12 कर सकती है। तो ये जो 12 किया है, 10 और 12, ये जो मैंने वर्ड्स बोले 10 एंड 12, इट इज़ द बेसिक प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इसका टर्म क्या है, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य, जिसको हम निर्धारित कहते हैं। और ये निर्धारण किस में होता है, हमारे कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कौन सी ईयर का है, 1956। ये 1956 का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत जो हमारा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता है, तब हम उसमें पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि जिस भी अंश को यदि हम मार्केट में पब्लिक के बीच लाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज। बट डिमांड इज वेरी हाई हियर, बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे प्राइसेस को भी हाई कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया। ये जो डिफरेंस है, दैट इज 2 रुपीज एज ए प्रीमियम। तो इस पर जो बेसिक आप जर्नल करेंगे, उसमें आप प्रीमियम को भी शो कर सकते हैं। यदि आपके न्यूमेरिकल में एक पार्ट है प्रीमियम का, सो जस्ट यू विल प्रेजेंट एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कुछ ईयर पहले से शेयर प्रीमियम का नाम हमने क्या कर दिया है, 2007 से सिक्योरिटी, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ प्रीमियम। ये आपके पास एक एडिशनल अमाउंट होता है, इसलिए उसके लिए अकाउंट कौन सा ओपन किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज विल बी राइट इन क्रेडिट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरफ आएगा, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम, इसलिए कहाँ आएगा, वो क्रेडिट होगा। जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, यदि केस हमारा थोड़ा सा पलटता है, हमारी कंपनी के शेयर्स क्या हो गए, मार्केट में डाउन हो गए, तो हम अपने प्राइसेस को क्या करते हैं, डाउन लाते हैं। 10 से हम 9 पर ले आए, 8 पर ले आए, तो जहां पर ये जो डिफरेंस है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट ऑलवेज विल बी। यहां पर मैं आपको दो क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी, ये आप सबको याद रखना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट। इस पर अंडर सेक्शन 78 और 79 के अंतर्गत दो क्वेश्चंस आते हैं, जिनका यूज़ क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत जनरल आपने सोचा होगा तो आपको समझ में आया होगा, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी को मिल रहा है, इज इट राइट। ये अमाउंट कहीं ना कहीं वो अपने एक अकाउंट में शिफ्ट करके और उसका यूज़ करती है। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है कि जस्ट राइट द यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम्स, इज इट क्लियर। तो ये दो क्वेश्चंस आपको इसके साथ और तैयार करना है। और कुछ किसी को पूछना है कंपनीज में? गुड आफ्टरनून मैम, मैं पूजा शर्मा, मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ के काइंड्स बताने होते हैं तो हमें उसे कैसे एक्सप्लेन करना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ओके, काइंड्स और जो टाइप्स होते हैं किसी भी हेडिंग के, फर्स्टली यू जस्ट मेक अ चार्ट, एक क्लासिफिकेशन चार्ट यदि आप बनाते हैं तो बहुत इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव आंसर होता है। भले आप आंसर्स के सारे पॉइंट्स जानते हैं, बट उसको बेहतर होगा कि आप एक चार्ट के थ्रू बताएं। जैसे आपके हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कोई चार्ट्स आ रहे हैं, सपोज कीजिए आपको आ रहा है हाउ मेनी अकाउंट्स ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, इज इट राइट। एक कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट खोले जाते हैं, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, सो जस्ट यू विल मेक अ चार्ट। चार्ट किस ढंग से बनेगा आपका, कि आप हेडिंग बनाएंगे खोले जाने वाले खातों के नाम या उसका वर्गीकरण, अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ, ये आपने हेडिंग बना दी कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, और इसके दो पार्ट किए आपने। फर्स्ट पार्ट किया इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर में आप सब बच्चों को पता है कि जितने अकाउंट्स ओपन होते हैं, फर्स्टली यू राइट हियर कि कंसाइनमेंट अकाउंट, देन नेक्स्ट वन कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, देन कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। इस ढंग से आपका प्रेजेंटेशन पूजा होना चाहिए, राइट। ये तो केवल हमने कंसाइनमेंट पर डिस्कस किया है,
आपके कंपनीज में भी आ सकता है, पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में भी है। तो जो जो चैप्टर में यदि काइंड्स या टाइप्स आते हैं या टूल्स आ गए आपको, टेक्निक्स आ गए, सो फर्स्टली यू डिस्क्राइब ऑल द रेशोज। यदि रेशोज आते हैं तो रेशोज को भी आप इसी ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। और फिर सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। और कंसाइनी की बुक में जस्ट अपोजिट अकाउंट ओपन होते हैं, कंसाइनर्स पर्सनल, देन वन बाय वन आप उसके फॉर्मेट के साथ क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपको जो ऐसा लग रहा है कि हम मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, या कहीं प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल में या थ्योरीज में, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? ओके बच्चों, अब हमारे, मुझे ऐसा लगता है आप सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको दो सेंटेंस में एक छोटी सी टिप्स ये देना चाहूँगी कि आपको बेसिकली कैसे करना है और क्या नहीं करना है, इज इट राइट? तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज की बात के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कराई हुई है कि 3 आवर्स में आपने किस ढंग से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वर्किंग नोट जहाँ जहाँ आता है फर्स्टली अटेंड, ठीक है, उसको आप अपीयर करिए, बिना वर्किंग नोट के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट ये होगा कि आपको जब कभी ऐसा लगता है कि जस्ट वी कंफ्यूज हियर, हमें लग रहा है हम अकाउंट बना रहे हैं और हमें लग रहा है गलत हो रहा है, सो जस्ट कट द सिंगल लाइन, एक लाइन से उसको काट दीजिए, उसमें ओवरराइटिंग ओवरलैपिंग ना करें, इज इट राइट? ये बोर्ड के पैटर्न में हमारी चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि इनसे हमारे मार्क्स कम होते हैं। प्रेजेंटेशन हमेशा आपको सीक्वेंस में रखना है, पहले आपको फर्स्ट से 5 तक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने हैं, देन डिस्क्रिप्टिव। कभी कभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हमको 7th नंबर का क्वेश्चन नहीं बना है, तो जस्ट ड्रॉप दिस क्वेश्चन, उसको ब्लैंक पेज में मत करिए आप कि 7 नंबर आपने हेडिंग डाला और ब्लैंक कर दिया, ये हमारी इग्नोरेंस में नहीं जाता है, बल्कि वैल्यूअर इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये बच्चा यहाँ वीक हो रहा है, इज इट राइट? सो जस्ट ड्रॉप दिस, आप 7th को छोड़ दीजिए, जस्ट मूव ऑन 8th नंबर क्वेश्चन, एंड जस्ट लास्ट में आप सोचिए कि यदि मुझे बन रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट लास्ट में कर सकते हैं, बट ऑर्डर विल बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। या तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें आफ्टर द ऑब्जेक्टिव, या कौन सा ऑर्डर आपने सीखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स के होते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आप छोटे की तरफ मूव करेंगे। ओके, नाउ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विद्यार्थी वर्ग और उनके माता पिता, आपने सभी ने हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करके सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।